इस विकिपीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ विकिपीडिया फास्ट ट्रैक पेपर क्लास 10th एनसीईआरटी कोविड-19 के अनुसार हमने ये तैयार किया है। तो आप देखते रहिए विकिपीडिया चैनल और इस फास्ट ट्रैक पेपर के माध्यम से अपनी परीक्षा को सकुशल अच्छे से बनाइए। तो आइए चलते हैं विकिपीडिया चैनल के माध्यम से। जय जिनेंद्र। यहाँ देखिए क्लास 10th मैथमेटिक्स का पेपर है, विकिपीडिया फास्ट ट्रैक पेपर कोविड-19 के अनुसार मैंने ये तैयार किया है। आइए और इसका पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और इसका सॉल्यूशन भी हम आगे की वीडियो में बना के आपके पास भेज देंगे। वीडियो को आप पूरा देखिए, आपके ये पेपर जो है आपके बहुत काम आने वाला है। तो इसको समझ लीजिए, सारे सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने रखा है इसमें। तो आइए चलते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले एमसीक्यू मैंने लिए हैं, 6 एमसीक्यू हैं इसमें के अंदर। किसी पूर्णांक स्मॉल m के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्न में से रूप होता है, m, 2m, m plus 1, 2m plus 1, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट इसको सॉल्व कर ले तो कमेंट बॉक्स में जरूर करे, इसको ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन को करे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि उसकी तैयारी किस तरीके से चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 का एक मूल -2 है तो k का मान बताइए, ठीक है। बिंदु 2.6 और 0.9, ये 9 है 0.9 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। tan थीटा 3/4 है तो cos थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं, कोई नहीं कहते हैं, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 440 मीटर है, ठीक है। आपको ये सॉल्व करने हैं, ये क्वेश्चन 6 के 6 आप कमेंट बॉक्स में अगर कोई स्टूडेंट इसको लगा ले तो कमेंट बॉक्स में एमसीक्यू के आंसर जरूर लिखे, जिससे मुझे अच्छा लगेगा कि वो उसकी तैयारी। जो बच्चे बहुविकल्पी प्रश्नों के जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे उन सभी बच्चों के हम नाम लेंगे अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम इसका सॉल्यूशन डालेंगे। और उनके लिए शुभकामनाएं सभी को, आप अपनी तैयारी में बराबर लगे रहिए जिससे आपको वीडियो बहुत काम आने वाली है, बहुत काम देने वाली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर इन क्षेत्रफलों में इसका अनुपात क्या होगा। चैप्टर 6 का ये क्वेश्चन है, चैप्टर 6 से ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। देखिए ये वाले जो क्वेश्चन मैंने रखे हैं, साइन 27 अपॉन कॉस 63 का मान, ये पिछली बार एक मैंने सेट देखे थे तो पिछली बार के कई सेटों में ये क्वेश्चन था और मैंने कई एक पेपर भी अनसॉल्व पेपर आपको दिए हैं उसमें भी ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। 2 tan 30 अपॉन 1 plus tan square 30 का मान याद करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में एक वर्ग OABC चतुर्थांश OPBQ के अंदर खींचा गया है, यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भाग है, ये भाग छायांकित है, इसका हमें एरिया ज्ञात करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जरा, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना दिखाइए परिमेय संख्या 17/90 शांत दशमलव है या शांत आवर्ती दशमलव है, ठीक। चैप्टर फर्स्ट से ये लिया गया है क्वेश्चन, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए 5-6 और बी -1-4 को मिलाने वाली रेखाखंड को बाह्य अक्ष विभाजित करता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 4x² + 4bx - a² - b² = 0 तो x का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन पहले के सेटों में भी आ चुका है, बहुत अच्छा प्रश्न है, हर बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाता। मैंने कई बार इसको करवाने की कोशिश करी है तो हर बच्चे का जवाब कुछ अलग अलग आता है, तो इसको आप जरूर लगाएं अगर आपको आए, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। आंकड़े 10, 13, 17, 19, 12, 15, 19, 20, 19 और 17 का माध्य ज्ञात करो, इसके साथ बहुलक भी निकालें आप, बहुलक कौमा माध्य ज्ञात करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 2+√3 एक अपरिमेय संख्या है, 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा, सिद्ध कीजिए 2+√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर दोहरा लीजिए, अच्छे से कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपका 101% आएगा।
साइन 3a इक्वल कॉस a माइनस 26, जहाँ 3a एक न्यून कोण है, a का मान निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए बेलन का आयतन दुगुना करके उसका वक्रपृष्ठ आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु माइनस 1.7 और 4.-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चार नंबर में ये प्रश्न आते हैं, यदि बिंदु ए एक्स कॉमा वाई बी माइनस 5.7 और सी माइनस 4.5 सररेख हो तो एक्स कॉमा वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सररेख के अंदर और त्रिभुज के क्षेत्रफल में बस यही अंतर होता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसमें 1/2 लगाकर पूरा फॉर्मूला वही लिखते हैं और सररेख में 1/2 नहीं लगाते और उसके बराबर 0 रखते हैं। ठीक है, सररेख का मतलब ये होता है कि उसका जो ए जो कोऑर्डिनेट दिए हैं कि उनका गुणनफल आपस में 0 हो जाए, उनकी वैल्यू 0 हो जाए तो बिंदु सररेख कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी की रचना करो जिसमें ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर और एंगल एबीसी बराबर 60 डिग्री, तो इस समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 5/7 गुनी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए माध्यिका और समांतर माध्य में देखिए क्वेश्चन सारे एक जैसे लगते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि माध्यिका अगर निकाली जाए तो उसमें संचयी बारंबारता निकाली जाती है। संचयी बारंबारता अगर निकालेंगे तो माध्यिका बनेगी और सीधे सीधे आप डायरेक्ट गुणा करोगे, क्योंकि अक्सर मैंने स्टूडेंटों को देखा है वो समांतर माध्य ही सब में फॉलो कर देते हैं, पता नहीं क्या याद नहीं रहता, क्या मिस्टेक है नहीं समझ में आता, लेकिन बहुत बार मैंने देखा है कि बच्चे समझ नहीं पाते क्या निकालना है और वो निकालते चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिकोणमिति से लिया है, साइन थीटा माइनस 2 sin q थीटा / 2 cos q थीटा माइनस cos थीटा इक्वल 10 थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी ये 4 नंबर का खंड है, 4 प्रश्न आपको करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास इस प्रश्न के करने के लिए। यदि एक रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटे का कम समय लेती है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात की। ठीक है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय के अनुसार ये क्वेश्चन होता है, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यदि एबीसीडी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा एपीडी बीपीसी 2 अर्धवृत्त है, ये हमने आकृति बनाई है, इसको आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2.-5 और -2.9 से समदूरस्थ है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यह भी प्रश्न है, समदूरस्थ वाला बहुत बार आया है, पता नहीं कितनी बार आया, मैं इसको आपके सामने व्याख्यित नहीं कर सकता। अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आप जरूर देखिए करिए। ठीक है, सिद्ध कीजिए cosec थीटा माइनस साइन थीटा और sec थीटा माइनस cos थीटा इक्वल 1/10 थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको चॉइस मिलेगी, क्योंकि 6 नंबर का प्रश्न आपको मिलेगा तो 7 वाले प्रश्न में आपको चॉइस मिल जाएगी। यहाँ लिखा है एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जहाँ बीसी 6 सेंटीमीटर, एबी 5 सेंटीमीटर और एंगल एबीसी 60 डिग्री है, तो फिर एक त्रिभुज बनाइए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी है। देखिये ये वाला जो समरूप वाली आकृति है ये वाली अंदर बनेगी, क्योंकि 3/4 है, 3/4 इसका मतलब होता है कि जो जो एंगल है, जो ट्राइंगल है वो बड़े ट्राइंगल के अंदर छोटा ट्राइंगल बनेगा, ये अंदर की तरफ बनेगा। ठीक है, ये 60 डिग्री वाला ट्राइंगल अंदर की ओर बनेगा। अब आप सोच रहे हो अंदर या बाहर क्या होता है, आप मेरी और वीडियो देख सकते हो जिसमें समरूप की मैंने आकृति को समझाया है। ठीक है, नहीं तो फिर इसका मैं सॉल्व पेपर डालूंगा, इसी को सॉल्व करके उसमें आप समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संभावु त्रिभुज चैप्टर 6 से लिया गया है, किसी संभावु त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बीडी बराबर 1/3 बीसी, तो सिद्ध कीजिए 9 AD² = 7 AB² चैप्टर 6 का ये एग्जांपल है, आप देख लीजिए आपकी एनसीईआरटी की बुक में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त के लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि इसके केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री है, साथ ही इसके दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करो जो पाई बराबर 22/7 है। देखिए एक बात अपने दिमाग में फोकस कर लीजिए अच्छे से कि
दीर्घ वृत्त खंड या लघु वृत्त खंड या त्रिज्या खंड का एक क्वेश्चन 101% आना ही आना है, चाहे वो कैसे भी पूछ ले, डायरेक्ट पूछ ले कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए, या इनडायरेक्टली पूछे जैसे मैंने आपको इनडायरेक्टली दिया है कि यहाँ लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल भी दे दिया है और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल भी दे दिया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप 101% आप समझ लीजिए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल के आयतन से, एक क्वेश्चन चैप्टर 13 से आना ही आना है, और अच्छा प्रश्न आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अथवा में मैंने दिया है यदि -5 द्विघात समीकरण 2x² + vx - 15 = 0 का एक मूल है और द्विघात समीकरण px² + x + k = 0 है, समान मूल रखता है, तो k का मान ज्ञात करो। ये आपका पूरा ये विकिपीडिया फास्ट ट्रैक पेपर मैंने इसको आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो इन क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट को जरूर लिखिए। और बहुविकल्पी मैंने आपसे कहा है कि अगर आपको आते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप इनके बहुविकल्पी के सॉल्व करें और उसके आंसर हमें बताएं। मैं अगली वीडियो में मैं उन सभी बच्चों के नाम लूंगा अगली वीडियो में उन सभी बच्चों के नाम लूंगा जो बच्चे आंसर हमें दे रहे हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल।